लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के सुझाव पेटी का अब अलग अलग विधानसभाओं में निकालने की तैयारी करती है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखा दी है और जो ये गाड़ियां हैं, दरअसल आपको बता दूं कि संकल्प पत्र सुझाव अभियान का ये शुभारंभ है और ये जो गाड़ियां हैं इसमें सुझाव पेटिका हैं जिनको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसमें एक LCD लगी हुई है। LCD में लगातार मोदी सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इन गाड़ियों में सुझाव पेटिका रखी गई है, चूँकि 2024 के मद्देनज़र जो भी व्यक्ति सुझाव देना चाहता है वो सुझाव दे सकता है। अलग अलग विधानसभाओं में लोकसभा चुनावों के तहत ये तैयारी है, लेकिन हर विधानसभा में ये गाड़ियां जाएंगी। पूरे देश में बीजेपी का कहना है कि पूरे देश की सभी लोकसभाओं को ये गाड़ियां कवर करेगी। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी आम जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश में, क्योंकि हर तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है और उसी के तहत अलग अलग अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जनता के बीच जाके उनसे सुझाव तो लिए जा सके, साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से काम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा सके। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। लोगों के बीच जाने को लेकर बीजेपी लगातार अभियान चला रही है और उसी के तहत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया गया है। विकसित भारत मोदी की गारंटी का रथ इसको नाम दिया गया है ताकि लोगों के बीच जाकर बताया जा सके कि केंद्र सरकार की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी उनको पूरा किया गया है और साथ ही साथ सुझाव मांगे जाएंगे ताकि लोग सुझाव दे सके कि सरकार और क्या बेहतर कर सकती है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।